ये कोई केस नहीं है, इट इज अ प्रोपेगेंडा स्टंट बेसिकली, क्योंकि जो नैब का जदीद लॉ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अनलेस समबडी गेट्स द मनी, जिसको इल गॉटन मनी, रिश्वत की मनी कह सकते हैं, किसी की अगर जेब में जाएगी तो तब उसके खिलाफ कोई एक्शन हो सकेगा। सेकेंडली कैबिनेट इन्होंने खुद प्रोटेक्ट किया, हम तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, तो अब एक कैबिनेट प्रोटेक्ट करके दूसरी कैबिनेट किसी को भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। थर्डली एक वेलफेयर यूनिवर्सिटी है जो बन गई है और काम कर रही है, और जंगल है, बियाबान है, वीराना है जिसके अंदर बनी है। तो किसी ने कभी शरीफ सिटी का हिसाब लिया, किसी ने वो पूछते हैं कि जी वो किस तरह से आए आपके मोहल्लात लंदन वाले, वो कहता है मुझे पता ही नहीं है, और रह रहा है वहां जाके फिशरमैन की तरह। सो देयर इज नो केस, इट्स अ प्रोसिक्यूशन। किसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन के खिलाफ, कोई असली यादेदार के खिलाफ और कोई जेन्युइन केस एक भी नहीं है। सो वी फाइट फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द रूल ऑफ लॉ, फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस कंट्री, और जो मर्जी हो जाए, मार्क माय वर्ड्स, इलेक्शन आ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ही हम तो भाई हैं, अंदर नहीं जा सके क्या, आपकी खान साहब से कोई मुलाकात अंदर हुई है अभी, कैसा? मैं आपको जो ओवरव्यू दे रहा हूं वो ये है कि केस सिरे से कोई है ही नहीं। मसलन आप भी अगर पूछें तो क्या केस है, एक यूनिवर्सिटी बनी है, उसके लिए एक डोनर है जिसने लैंड दी, एक डोनी है जिसके नाम के ऊपर गई, और उसके ऊपर यानी एक जंगल में मंगल बन गया है, तो उसको शेर के बच्चे को जिसने तीन बनाए, यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल एक उसने नवल यूनिवर्सिटी बनाई, और अलकादर हमारे लिए जो पीराने पीर है वो सबके लिए काबिल एहतराम है, हर तबके के लिए काबिल एहतराम है, उनके नाम के ऊपर टू प्रमोट द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अमंग्स द रिलीजन्स, अमंग्स द मुस्लिम्स, अमंग्स द कम्युनिटीज, ये इसका बेसिकली चार्टर है। वहाँ बड़े जदीद इस्लामी और कॉन्टेम्प्रेरी उलूम पढ़ाए जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को, तो इसलिए इनको तो शर्म से माफ़ी मांगनी चाहिए, इमरान खान से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनकी जो गैर सियासी खातून खाना बेगम पूछना है भाभी हमारी, उसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी मांगने का टाइम भी दूर नहीं है।